वेलकम बैक टू माई अगेन यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे फैकल्टी रिलीविंग या फिर फैकल्टी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं बेसिकली कैसे रिलीव कराए जाएँ इंस्टीट्यूट से, वो आज हम जानेंगे। सबसे पहले आपको फैकल्टी लॉगिन, अपना जो भी आपका यूज़र नेम है और पासवर्ड है उससे आपको लॉगिन करना है अपने पोर्टल पर। और फिर सबसे पहले आपको कुछ इस टाइप का यूज़र इंटरफेस दिखेगा फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, जहां आपको लास्ट ऑप्शन पर जाना है जहां आपका फैकल्टी डिटेल्स हैं। लास्ट में आएगा फैकल्टी रिलीविंग। और फैकल्टी को रिलीव कब कर सकते हैं आप? जब प्रॉपर रेजिग्नेशन इस पर अपलोड हो जाएगा पोर्टल पे, और उसके बाद इंस्टीट्यूट लॉगिन से आपको वो एक्सेप्ट कर लेंगे, उसके बाद ही आप रिलीव हो पाएंगे। पहली चीज़ ये है, तो जानते हैं क्या करना होगा आपको रिलीविंग के लिए। सबसे पहले अपने आपका फैकल्टी लॉगिन करेंगे आप, या फिर फैकल्टी डिटेल्स में आप जाएंगे फैकल्टी रिलीविंग में। इसमें आपको सबसे ऊपर आपको दिखेगा एक PCI 946 या 278 करके कोई कोड होगा। ये बेसिकली कोड होता है इंस्टीट्यूट का कोड होगा, इंस्टीट्यूट का एड्रेस लिखा होगा और इंस्टीट्यूट का नाम लिखा होगा सेकेंड लाइन में, ठीक है। यहाँ आपका लिखा होगा आपका लास्ट वर्किंग डेट या रीज़न। रीजन्स में बेसिकली 3 रीजन्स आते हैं, टर्मिनेशन, ट्रांसफ़र एंड बेसिकली रिलीविंग। जब आप ड्रॉप डाउन लिस्ट पर जाएंगे तो 3 चीज़ें आएंगी। चूज़ फाइल में आपको करना है आपका जो भी आपने रिज़ाइन दे रखा है उसको, आपका एक PDF या फिर जो भी आपका स्क्रीनशॉट, बेसिकली PDF ही इसमें अपलोड होती है। वंस यू अपलोड योर रेजिग्नेशन लेटर हेयर, देन वंस यू सबमिट, एक बार आप सबमिट कर लेंगे, जब सारा आप डिटेल्स भर के सबमिट कर लेंगे तो क्या होगा, ये सारा डाटा पहुंचेगा इंस्टीट्यूट लॉगिन में। अब इंस्टीट्यूट लॉगिन आपका बेसिकली प्रिंसिपल, हेड या डीन, ये बेसिकली इंस्टीट्यूट लॉगिन देखते हैं। सपोज़ आप किसी भी कॉलेज में वर्किंग कर रहे थे, वहाँ आपने रिज़ाइन अपने पोर्टल से डाल दिया है, ठीक। अब इंस्टीट्यूट लॉगिन, आप जो भी इंस्टीट्यूट लॉगिन चला रहा होगा वो लॉगिन करेगा, वो अपने इंस्टीट्यूट लॉगिन में जाएगा और यहाँ कुछ फैक्टर्स दिखेंगे। व्यू फैकल्टी में आपको लिखा होगा पेंडिंग, मतलब दो लोगों ने रिज़ाइन दिया हुआ है लेकिन इंस्टीट्यूट ने भी एक्सेप्ट नहीं करा है। क्यों नहीं करा है? वो अपना उनका पर्सनल है कि बेसिकली उनको रिलीव करना है या नहीं करना है, ड्यूज क्लियर है या नहीं है, दैट इज़ डिपेंड अपॉन द इंस्टीट्यूट। जब एक बार इंस्टीट्यूट आपका अप्रूव कर देता है, आप फिर से जाएंगे अपने जो भी आपका फैकल्टी लॉगिन है वहाँ पर, और आप देख सकते हैं कि एक बार अगर आपका यहाँ से ऊपर क्लियर हो जाता है देन आप रिलीव हो जाते हैं। ये रिलीव कैसे हुए हैं या फिर नहीं हुए हैं वो आप चेक करने के लिए अगेन फिर से फैकल्टी लॉगिन करेंगे, उसमें जाएंगे फैकल्टी डिटेल्स में, और फिर वहाँ जो आपको ऑप्शन आ रहा होगा प्रीवियस कॉलेज का वो नहीं आएगा। और नेक्स्ट जिसमें अगर आप वर्किंग में दिखाना चाहते हैं या जहाँ भी आपने ज्वाइन किया है, वो आपको एक प्रॉपर अपॉइंटमेंट लेटर आपको यहाँ सबमिट करना होगा, अपलोड करना होगा विद स्टार्टिंग डेट, कब से आपने ज्वाइन करा है, एंड फर्दर डिटेल्स आपको यहाँ अपलोड करनी होगी अपने लॉगिन पर, दैट इज़ फैकल्टी लॉगिन। फैकल्टी लॉगिन वंस आप सबमिट करेंगे और यहाँ पर आप अपना इंस्टीट्यूट का नाम डालेंगे जहाँ आप वर्किंग करने जा रहे हैं यहाँ पर या ज्वाइन कर लिया है, एक बार एक्सेप्ट हो जाएगा तो इसी को बेसिकली कहते हैं डॉक्यूमेंट्स को रिलीव करना या फिर पोर्टल से नाम हटवाना। आई होप इतना क्लियर होगा। डिटेल्स देखने के लिए आप एक बार फिर से चेक कर सकते हैं कि अब अगर आप चाहते हैं कि इंस्टीट्यूट अगर अपने लॉगिन से देखेगा तो उसमें ये ग्रीन कलर का एक्सेप्टेड हो जाएगा, मतलब इंस्टीट्यूट ने एक्सेप्ट कर दिया है, अब आप रिलीव्ड हो या कहीं भी आप जॉब करने जा सकते हो या फिर कहीं भी आप ज्वाइन कर सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, दैट इज़ कैसे आप रिलीव करेंगे खुद को। सो थैंक यू सो मच।